अगर आपका अपडेट के बाद हेडशॉट नहीं लग रहा है तो हो सकता है आप 5 मिस्टेक्स को अनजाने में कर रहे हो जिसके वजह से आपका हेडशॉट मिस हो रहा है। तो क्या है ये मिस्टेक्स जिनको आपको नहीं करना है, चलो देखते हैं एंड इन मिस्टेक्स को सही कैसे करना है वो भी देखते हैं। इन 5 मिस्टेक्स में से सबसे पहला मिस्टेक है लार्जर नेल्स। आई नो ये सुनने में आपको मजाक लग रहा है बट आपको पता नहीं है इसके वजह से आपका 20-30% हेडशॉट भी नहीं लगता है एंड आपका गेम प्ले भी बेकार हो जाता है। तो इस मिस्टेक में आप क्या करते हो यार, बड़े बड़े नाखून रखते हुए गेम खेलते हो कुछ ऐसे। अरे शक्ति भाई ये गेमिंग चैनल है या फिर ब्यूटी पार्लर? अरे सीरियसली बता रहा हूँ यार, लार्ज नेल यानी बड़े बड़े नाखून रखने से आप जब भी हेडशॉट के लिए ट्राई करते हो आपका उंगली प्रॉपर फायर बटन को खींच नहीं पाता है एंड सबसे बड़ा दिक्कत तभी होता है जब भी शॉर्ट रेंज पर आपको हेडशॉट मारने के लिए फायर बटन को रोटेट यानी घुमाना पड़ता है कुछ ऐसे। बट बड़े बड़े नाखून के वजह से फायर बटन सही से रोटेट ही नहीं होता है, देन हेडशॉट क्या घंटा लगेगा? एंड यार कभी कभी तो बड़े नाखून के वजह से फायर बटन टच ही नहीं होता है। समझे अभी नाखून का हेडशॉट के साथ क्या कनेक्शन है? देख भाई अगर तू लड़का है तो सही है, अगर आप लड़की हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके आगे बढ़ते हैं हमारा नंबर 2 हेडशॉट मिस्टेक की तरफ। इसको अगर आप सही कर लेते हो तो 80% हेडशॉट आपका नहीं लगता था वो भी लगने लगेगा। बट उसको बताने से पहले भाई यार एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल में आपको ऐसे ही वीडियोस रेगुलर मिलता है सो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। एंड इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 10K। तो चलो देखते हैं हमारा मिस्टेक नंबर 2 क्या है। देखो ये जो मिस्टेक है बहुत बड़ा है, फ्री फायर में 90% बंदे ये गलती करते हैं एंड उनका हेडशॉट नहीं लगता है एंड वो मिस्टेक है एक्सेस डीपीआई। जिनको पता नहीं है डीपीआई का काम क्या है उनको बता दूं, डीपीआई एक फोन का सेटिंग है जिसको बढ़ाने से आपका फोन का सेंसिटिविटी बढ़ जाता है एंड यहाँ पर बढ़ाने का मतलब ये है सही अमाउंट में अपने फोन के हिसाब से डीपीआई को चूज करना, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स गलती कर देते हैं, ज्यादा हेडशॉट मारने के लालच में डीपीआई को जरूरत से ज्यादा बढ़ा लेते हैं एंड इस मिस्टेक को टाइम रहते हुए अगर सुधारोगे नहीं तो ये इतू सा मिस्टेक आपका महंगा फोन का बैंड बजा सकता है एंड ऐसे बहुत सारे बंदों के साथ हुआ है। रॉन्ग डीपीआई रखने के वजह से उनका फोन डेड हो जाता है या तो फोन का स्क्रीन खराब हो जाता है। आप नहीं चाहोगे ये चीज आपके साथ हो। वैसे ज्यादा डीपीआई बढ़ाने से ज्यादा रिकॉइल होता है, उससे आपका कभी भी ज्यादा हेडशॉट नहीं लग सकता। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जिनको डीपीआई का जरूरत है वो लोग यूज करो वरना मत करो। बट अगर तुम डीपीआई को यूज करना चाहते हो तो बिल्कुल सटल अमाउंट में करो, 50-100 से ज्यादा मत बढ़ाओ, तभी आपके फोन में दिक्कत आने लगता है। ओके आगे बढ़ते हैं हमारा नंबर 3 मिस्टेक की तरफ जो कि आप करते हो जिसके वजह से आपका हेडशॉट मिस होता है एंड वो है रॉन्ग ड्रैग टेक्निक। अगर हम इसको थोड़ा आसान शब्द में बताएं, सही जगह पर गलत हेडशॉट टेक्निक का यूज करना। अब गलती क्या करते हो देखो, एनिमी जब भी लॉन्ग रेंज पर होता है उसको अगर हमें हेडशॉट मारना है तो हमें अपना फायर बटन को सीधा ऊपर खींचना पड़ता है एंड अगर बंदा शॉर्ट रेंज पर होता है तो हमें रोटेशन ड्रैग मारना पड़ता है। बट आप इतने सारे वीडियोस देखकर कंफ्यूज होकर लॉन्ग रेंज पर अपना फायर बटन को घुमाकर रोटेशन ड्रैग मारने का ट्राई करते हो एंड इससे आपका हेडशॉट नहीं लगता है, नहीं तो आप कंफ्यूज होकर शॉर्ट रेंज पर स्ट्रेट ड्रैग मारते हो जिससे एनिमी के बॉडी पर आपका एम लॉक हो जाता है एंड आपका बॉडी शॉट लगता है। आप सही सिचुएशन में सही ड्रैग टेक्निक का यूज नहीं कर पाते हो। एनिमी जब भी लॉन्ग रेंज पर है तो आपको रोटेशन ड्रैग नहीं करना है, उससे ऐसे ऐसे आपका गोली रिकॉइल होगा एंड आपका हेडशॉट नहीं लगेगा। लॉन्ग रेंज पर अपना फायर बटन को सीधा ऐसे ड्रैग करो एंड जब शॉर्ट रेंज की बारी आए तो अपना फायर बटन को सीधा मत खींचो, उससे बॉडी पर एम लॉक होता है एंड आपका हेडशॉट मिस होता है। उस टाइम अपना फायर बटन को रोटेट करके ऐसे ड्रैग करो एंड आपका प्रॉपर हेडशॉट लगेगा। ओके आगे बढ़ते हैं हमारा नंबर 4 मिस्टेक की तरफ जो कि है एक्सेसिव मूवमेंट। ये मिस्टेक मैं पहले पहले बहुत किया करता था एंड इसके वजह से मैंने बहुत रिग्रेट किया है, इसलिए बता रहा हूँ कि आप ऐसे मत करना। हम लोग क्या गलती करते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स को देखते हैं जो कि स्पीड मूवमेंट के साथ हेडशॉट मार लेते हैं, उसके बाद क्या हमारे अंदर भी कीड़ा घुस जाता है। हम लोग एक्सेस मूवमेंट करने की वजह से हमारा एक्यूरेसी लॉस हो जाता है, जिससे होता यह है जो हेडशॉट हमारा आसानी से लग सकता था वो अभी मिस हो जाता है, नहीं लगता है। ये जो हेडशॉट का खेल है ना, ये टोटली एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास एक्यूरेसी है आपका सभी सिचुएशन में हेडशॉट लग सकता है एंड एक्यूरेसी लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन है मूवमेंट। आप जितना फालतू के मूवमेंट करोगे आपका एक्यूरेसी उतना कम होता रहेगा। आप जो भी बड़े प्लेयर्स को देखते हो वो लोग जितना भी मूवमेंट करें बट फायर करने के टाइम पर अपने आप को स्टेबल करते हैं, फिर जाकर फायर करते हैं एंड उनका हेडशॉट लगता है एंड उसके बाद फिर से मूवमेंट स्टार्ट। आपको दिखावा के लिए
कभी भी मूवमेंट नहीं करना है, उससे आपका हेडशॉट मिस होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारा फिफ्थ एंड लास्ट हेडशॉट मिस्टेक की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एंड वो है नॉट थिंकिंग फॉर हेडशॉट। मतलब सामने वाले को हेडशॉट मारने के लिए नहीं सोचना, जो कि आप जानबूझकर नहीं अनजाने में करते हो डर के वजह से। एंड ये बात उनको समझ में आएगी जिनका ट्रेनिंग ग्राउंड में तगड़ा हेडशॉट लगता है, बट रियल गेम में बिल्कुल भी हेडशॉट नहीं लगता है। अभी मिस्टेक क्या है समझ रहे हो? आप ये सोचकर हेडशॉट के लिए ट्राई ही नहीं करते हो कि शायद वो बंदा मुझे मार दे। आप मरने के डर के वजह से हेडशॉट के लिए ट्राई ही नहीं करते हो। एंड अभी आप सोचो, अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो आपका हेडशॉट कैसे लगेगा? देखो, इस मिस्टेक को सिर्फ आप ही सही कर सकते हो। कुछ ऐसे सोचो, मैं उसको आसानी से हेडशॉट मार सकता हूँ, मेरा हेडशॉट लगता है। हाँ, हो सकता है कि आप पहले मर जाओ, बट अगर यही एटीट्यूड रखकर गेम खेलोगे तो कुछ दिन बीतने के बाद आप देखोगे तुम्हारा हेडशॉट आज जैसे लगता है उससे कई गुना ज्यादा लगने लगेगा। इसलिए मरने से मत डरो, प्रैक्टिस करो एंड लगाओ हेडशॉट यार। अगर हर एक गोली हेडशॉट मारना है तो आपको ये दो चीजों में स्ट्रांग बनना पड़ेगा। पहला चीज ऑफ कोर्स सही सेंसिटिविटी, जिसके लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो को देख सकते हो, एंड दूसरा चीज एक्यूरेसी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप राइट वाली वीडियो को देख सकते हो। एंड मैं मिलता हूं आपसे किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।